अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साजिद सोबी। जैसा कि आपको पता है कि मैं पीको लैस एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई सिलाई और इनकी मशीनों के मतलब वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो आज की वीडियो के अंदर हम जुनून 8200 के ऊपर गला पैच लगाने का तरीका सीखेंगे। ये वाला गला पैच जो कि सूटों के साथ इस तरह के बहुत सारे पैच आते हैं, और ये वाला पैच आज हम जुनून 8200 के ऊपर लगाएंगे। ये वाला पैच लगाने से पहले हम इसको पिनों के साथ कच्चा कर लेंगे जी। टेबल के ऊपर अभी चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको कच्चा किस तरह से करना है, और फिर आपने इसको सिंगल टांके के साथ पहले इसको फिल करना है, और फिर बाद में आपने 2 पॉइंट घोड़े के ऊपर इसको जो इसकी जिगजैग स्टिच होती है उसको 2 पॉइंट के ऊपर करके, मैं मशीन के ऊपर आपको करके भी दिखाऊंगा कि आपने किस तरह से करनी है। तो उसके साथ आपने इसकी आउटलाइन लगानी है और फिर काव्ये के साथ इसकी जो साइडें होती हैं उनकी कटिंग कर लेनी है। तो ये तमाम काम करते हैं ये अभी हम। तो इसके लिए हम चलते हैं पहले टेबल के ऊपर। टेबल के ऊपर जाने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को किया हुआ है सब्सक्राइब, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे और आप उसको देख सकें। शुक्रिया। तो जी आगे हम टेबल के ऊपर आपने पहले कमीज का सेंटर करके इस तरह से आपने निशान लगा लेने हैं कमीज के सेंटर के, और गले का भी आपने सेंटर करके नीचे भी कट लगा लेना है गले के, और ऊपर भी कट लगा लेना है। नीचे ऊपर दोनों तरफ कट लगाने के बाद इस तरह की सेफ्टी पिन के साथ आपने इसको कच्चा कर लेना है जी। तो आपने ये सेफ्टी पिन अच्छे से लगा लेनी है जी। तो जी आगे हम मशीन के ऊपर पहले हम इसका 2 नंबर वाला डिज़ाइन जो सादा सिलाई होती है सेंटर में निडल चलती है वो वाला सेलेक्ट करेंगे, और इसकी सेटिंग के ऊपर जाएंगे, उसकी जो धंधराल स्पीड है इसको 0 कर देंगे जी। ये इधर वाली स्पीड इसकी 0 कर देंगे, उधर 3.5 पे रहेगा तो निडल हमारी सेंटर में रहेगी और ये सिंगल सिलाई चलेगी जी। अब तो अब आपने इधर से सेंटर से इसको कच्चा करना शुरू करना है जी। इसको हमने फ्रेमिंग लगाया, हाथों की मदद से हम इसको ऐसे पकड़ के रखेंगे जी। इस्तियात करनी है, इसके अंदर निटलें भी लगी हुई हैं, आपके हाथ हैंड के ऊपर हाथ के ऊपर निटल ना लगे जी। तो अभी इसको पहले अंदर अंदर से सिंगल सिलाई के साथ इसकी फिलिंग करेंगे जी। इसका 4 नंबर वाला डिज़ाइन है इसको सिलेक्ट कर लेंगे जी। इसकी सेटिंग पे आएंगे जी, धंधराल स्पीड 0 कर देंगे जी। और जिगजैग जो स्टिच है इसकी 3 पॉइंट पे कर देंगे जी, सॉरी 3 पे नहीं करेंगे, इसको हम 2 पे कर देंगे जी। जिगजैग स्टिच को 2 पे कर देंगे, और इसके साथ साथ इसकी आउटलाइन लगाते जाएंगे जी।
नहीं नहीं वो लग गई है जी। और अभी हम काव्या के साथ इसको इसकी कटिंग करेंगे जी। देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गले का पैच हमारा लग गया है। देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारा और खूबसूरत लगा है। ऐसे ही लग रहा है जैसे गले की एम्ब्रॉयडरी हुई है कि कमीज़। देखें जी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी और खूबसूरत लग रही है जी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।